जी के एक तरीके से जान तहलका मचाया था पिपी ज्वेलर्स जब आया था। पहली बार इस तरह से कोई शोरूम खुला था पूरी तरह से आर्टिस्टिक ज्वेलरी के साथ साथ शोरूम भी आर्टिस्टिक रोल का था। धूप निकल आई है, हम ड्राइविंग करते करते नहीं बनाते वीडियो भाई, हम ड्राइविंग नहीं कर रहे होते इसलिए हम ड्राइविंग वाली वीडियोस कम होती हैं हमारी। ये दिल्ली है, ये आउटर नहीं है, यहाँ तक पुलिस पकड़ के मुझे भी अंदर डाल देगी मेरी गाड़ी को भी। तो दिल्ली में वैसे भी नियम इतने सख्त हो गए हैं और शुरू से ही नियमों में चलना सीखा हुआ विदाउट फॉलो करें ड्राइविंग करके। फ्लैट्स थे तो वो तो फ्लैट्स तोड़ तोड़ के तो ये मालवीय नगर के फ्लैट थे जो एम्स के सामने है वही है ना, यहाँ पर फ्लैट्स थे, फैमिलियाँ रहती थी इसलिए। अब बोलो कौन अपना इतिहास लाए, कहाँ से इतिहास लाए लोग अपना, मेरा भी बचपन खो चुका है, मेरे बचपन का घर, मेरे बचपन का एड्रेस नेस्तनाबूद हो चुका है। बोलते ना कागज कहाँ से लाए, मैं भी तो जिंदा हूँ अभी, मेरे भी जहाँ मैं बढ़ थी जहाँ मैं पली बड़ी वो सब भी ख़त्म हो चुका है दिल्ली में। ये देखो ये सब यहाँ कुछ और था, अब यहाँ कुछ और है मेरे देखते देखो। तो क्या लोग मर गए, जिस एड्रेस पे आपके स्कूल के सर्टिफिकेट बने हुए हैं, जिस एड्रेस पे आपके पहले के वो बने हुए कागज, वो तो एड्रेस ही ख़त्म हो चुके हैं। सोए रहो, अच्छा है सोए रहो, सो खाओ पियो सुधी जाओ, देश का जो होगा होगा, तुम्हारा जो होगा होगा, बच्चों के लिए जो छोड़ के जाओगे। अफ्रीका को देखकर भी हम नहीं सीख सकते तो फिर कुछ भी तुमको कुछ नहीं सिखा सकता। अब आएगा सफदरजंग कितना लंबा रूट था आज हमारा, सफदरजंग हॉस्पिटल की बिल्डिंग भी चेंज हो चुकी आज ध्यान दिया। लोग ज़्यादा बीमार इसलिए हैं कि ज़्यादा हॉस्पिटल हैं। इसको बहुत जल्दी है फिर आ गया मुश्किल इलाके में जहाँ सुबह थे जाम ही जाम, तब सब जाम ही जाम। ये सड़क बहुत छोटी है चौड़ाई के हिसाब से और ट्रैफिक का लोड बहुत ज़्यादा होता है इधर ही, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े ऑफिस और ये पासपोर्ट ऑफिस भी इधर ही, ट्रैफिक का बुरा हाल होता है। अभी आपको कैमरा दूसरी साइड ये वीडियो ख़त्म करके बनाना पड़ेगा कि हमारे साइड में डायरेक्शन चेंज नहीं होती वीडियो में कैमरे। देखिए आपको ट्रैफिक दिखाते हैं दिल्ली का, देखिए।